कब से हो रहा है सर इनको? 5 साल हो गए पूरे। 5 साल हो गए। पहले शुरू हो गया था अच्छा, बर्तन फेंक बर्तन यही कर रहे, खमार बन रहे थे, इसको रस्से से बने थे। तो बाद में हमने क्या कर, दवाखाने में एडमिट कर, डॉक्टर करे तो बोले नार मरे कुछ सब सरकारी में चले थे की परवानी। फिर उसके बाद सब बता पता कि परवानी का है कम ज़्यादा था। अभी एक निकल गया था, मैं बोली इसके ढूंढने से क्या फ़ायदा, अपने साथ में आना। सब लोगों ने बोले तुम इतने परेशान होने क्या जरूरत है, तुम्हारे परवानी में जाओ, बोले सब कानून में एक नज़र बता क्या करे हुआ है कि कोई बाहर मिल गया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पर मालूम हो जाता। कब से हुआ ऐसा इसको? 5 साल हो रही। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था वो? तो इन्हें ये मसल हाट है बस लोगों के प्लाट थे, लोग उधर दूर जाके साइकिल पे गए, वहाँ से आने के बाद तुम्हारे बच्चे ने आके मारा। मैं बोले 4 साल हो गए तो कुछ नहीं करा, मारा उसमें दो जान की थी पीठू मारा। तो मैं बोले इंशाल्लाह नमाज पढ़ी, मेरे बच्चे कुछ हो जाना, लेकिन उसको कुछ नहीं मारा। पहले मेरे को काफी पीठ में लात मारा उसने, उन्हें ऐसा टीवी ऐसे मोबाइल देखते वैसे बैठी दुकान से कुरकुरी की पीछे से जाकर मारा। मैं जान मार दी को कुछ होगा, मैं इलाज में मरी थी, बोली अरे मेरे से क्या गलती है, मेरे को बैठी क्या मार पाई कराऊंगी। तो जाकर सब लोगों ने मारने का उसके साथ रस्से से बंधे पूरा ऐसे पीछे नीचे सब। फिर मैंने ऐसे 1 किलो की बेड़ा डाली इसके पाँव में हाथ में, जर कम होगा। फिर बाद बोला मैं निकाल, उन्हें निकालने के बाद 2 महीने तक पूरे दरगाह दरगाह रोज चाय पी के जाना। जाने के बाद क्या करा पूरे रमजान की, तो मैं इसको ड्रेस दी तो कपड़े सिलाना, बोले अगर खुदा ने खास टाइम बोला कि मुझे नमाज के जाने का तो जा सकता हूँ, बोली मेरे बच्चे की आर्जू। फिर उसने टेलर ने बोला कि 2 दिन में नहीं होता, मुझे कुछ भी हो मेरे बच्चे को सिलाए तो क्या करें, चाहना फिर पोषा था, बोले अभी मेरे कपड़े कहाँ मुझे नमाज के जाने का, बेटे थे ऐसे बड़े बड़े जमीन हो, मैं कपड़े किसको मारेगा तो जाता सब मुझे हकाल दे कि मस्जिद में पागल हुई। नमाज पढ़ के आता, आने के बाद क्या करें, एक सौ मैंने अच्छा हुआ एक पागल ने इसके हाथ पे थूका। थूकने के बाद क्या बोला उन्होंने, थूका क्यों, बोल के 12-1 बजे बोले गर्म पानी नहाओ, बोले मैं अभी नहा दूंगी। सब लोगों ने बोली तेरा को क्यों लाए, तो मैंने बोली नहीं जी उसके आँख पे मुंगली हुई कीचड़ उड़ उड़ दौड़ के उन्हें बोला कि मेरे को दरगाह में जाना पड़ता, उसके मैं नहीं लाई उसके पास। फिर 8 दिन अच्छा होने के बाद 8 दिन बाद पागल चालीस कर आई हुई करके पूरे रूम से पड़ा। अब रात में नींद नहीं कुछ लिखा शहर का मामला है, फिर मैं पूरा एड्रेस लेके आई, अगर कोई पुलिस वाले इसको अड़ा दिए तो मैं तुम साहब पेशेंट लेके 5 दिन सबको नींद नहीं देखो खाना नहीं कुछ नहीं क्या नहीं। इनको बोला हमारे शोर तुम हंसते रिजल्ट दिया हूँ, बोली बोले क्या बात है, तुम बिल्कुल भी नहीं बोली बच्चे की तरह सीरियस है। आने के बाद क्या बोले क्या हुआ था, बोले इसके बाद ऐसी तो जरा होश में आ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका, अभी आइटम डाल के लिखी उसको, वो भी लोगों को बोली तुम जरा हाथ भैंस तक छोड़ो उसके बाद में संभाल लेती हूँ। और क्या कर रहा उसको नहाने का होश नहीं है खाने का होश नहीं है? हाँ नहीं ना होश नहीं था, फिर पहले अच्छा ना था एक एक साबुन से नहाना लाए वो पूरे चार चार हंडे से पानी खाना आप कपड़े के साथ रखना। क्या कर रहा हूँ अभी ये बारिश आने जा रहा था ऐसे लेडीज को ऐसे कभी ना लेना नहीं बोले मेरे बच्चों का सब नहीं बोले मैं तीन दिन छोड़ गया था वही चल जाऊँ दिन भूख लगे एक लेके चल जाए आता नहीं खाने का खाने का कई कुछ होश नहीं रहा कैसे कई कुछ नहीं होश रहा अभी देखो ये डोरे सब लिए खा के फेंक देता हूँ। जुमेरात लेके आना कंटिन्यू, जुमेरात को या बुध को या मंगल को कौन सा डेट तय पकड़ के
आठ दिन में चक्कर सैलानी में जाकर रहने क्या जरूरत है तुम्हारे घर नहीं है ना वहाँ परमनी में बोलते तो था बोल के तो बिका दिए ना हमने सुविधा नगर प्लाट था ना मेरे दो ली थी एक ब्याज के पैसे उठे बता इसको उसको बता के ब्याज के पैसे परेशान कर दे बिका दी 40,000 में 4-4 लाख में बिका अब हम सैलानी में रह तो अब आए थे हम क्या कर सैलानी में कहा थे ये गौलियाल बाबा के पास बागजारी पर रास्ता जाना मैं झोपड़ी डाली हूँ किराए कहाँ से भरना होगा कि कोई भी साथ व्यापारी साथ गए थे 5-50 दिन तो उसमें गुजरान कर लेते उसको डब्बा आता कंपनी वाले को वाले फिर महीने में एक बार 15 दिन में हाँ, हाँ, से लेके आते जाओ हाँ, और राइड कराते कराते कर देंगे कोई टेंशन की बात अच्छी बात मैं महीने 15 दिन में आ सकती लेकिन 8 दिन में नहीं आना होता महीने में 15 दिन में एक चक्कर करो अच्छी बात बहुत दुरुस्त करा देते ये क्या है क्या दास्तान है सब देख लिया मैंने कोई टेंशन की बात नहीं सब इसको करा हुआ है शायद आपस कितने लोग बहुत सारे बात है सब शक्कर में शक्कर मिला के पिलाना सुबह शाम दो टाइम उसको उतला धुआं देना और अल्लाह करम सब करा देते राइट अभी देखो अभी ऐसी हालत है बाद में कैसे दुरुस्त करते देखो दुआ का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाते जाना जो पड़के दे वाला पानी तो ठीक है। अभी सब लोगों ने जल्दी चल जाओ जल्दी अच्छा हो जाएंगे उसके बाद फिर देर से आना बोले पर मेरे को बहुत सुकून लगा आने हम बहुत बेचैन थे एक हुआ फर्क हो पहली बार दुआ पानी पड़े तो क्या हुआ पहली बार दुआ पड़ते फर्क हुआ क्या अल्लाह करम से हाँ पहली बार ये एटम मैं भी ये करे तो खाली आपके पानी से फर्क दिएगा उसको जैसे यहाँ आए जवान खुल गई और होश में आ गए तो उसको माँ बाप को कोई शनाखत नहीं थी सिर्फ तुम्हारे एरिया में आ गए तो उसके होश में आ गया पहले उसको समझता नहीं समझता था माँ बाप कुछ नहीं समझता था और क्या है किसी भी ये करता था और 1 बजे से तो 5 बजे तक उन्हें बाहर पूरे बिल्डिंग से फिरता था और खाना भी नहीं खाता था और कैसा डर लगता था उसको और बैठ के ऐसा बैठा था नींद बेचैनी थी उसको कितने साल से परेशान थे तुम 6 साल से हाँ। इससे पहले की जुमेरात में आए थे तुम्हारा लिए थे ना इंटरव्यू सब हाँ। तो वो जब दुआ पानी लिए थे फर्स्ट टाइम था तुम्हारा हाँ, अभी दूसरा टाइम हाँ। है अब कितना फर्क हुआ पहले टाइम में अल्लाह करम से बहुत फर्क होगा बहुत फर्क हुआ 5-6 साल में फर्क नहीं हुआ 1 दिन का मगर लेकिन इतने खाली आए तो आपके एरिया में आज जब से मेरा बच्चा खाना खाना शुरू हो गया था 5 दिन से खाना नहीं था 5 दिन से सब लोगों को नींद नहीं थी और 5 दिन से पूरे बंगले से फिरता इधर किधर मसाला आटा की तरफ इधर उधर भागता था वो और जैसा यहाँ से आ लेके गए आइटम से उतर के मेडिकल की गोलियाँ लेके आया उन्हें हाँ दुआ के लिए आए तो मैं बोली अभी तो उतरो मत जाओ मत सीधा सरकार दवाखान जाके पुलिस गोली लेके आए मेडिकल से जाके बोले बुखार आई बोले तुमको तुम खाओ बोले दुआ पढ़ाते थे अल्लाह करम से अल्लाह पानी पिलाते थे उसको होश आ गया होश आ गया आपके पास आए ना तो जो खाना शुरू कर आप पेट भर फुल खाना खा रहा 2-3 टाइम खा रहा कितने साल से परेशान थे तुम 6 साल से कितना पैसा लगाए थे 6 साल में मेरे 2 प्लाट चले गए सूबेदार में के अरे एक एक घुंटे के थे वो क्या अली बाग नगर है ना वो बाबत मस्जिद है ना वहाँ 2 ली थी मैं बोली बांध काम 2 के पैसे डाल देंगे तो 1 बिकाऊंगी 1 के बांध काम करूंगी और जब तक किराए के रूम में रही अली ने बोला यहाँ लोगों की फलाट ही तब बच्चा इतना बड़ा बच्चा संडास को जाए गए वक्त लोग लड़ाई करेंगे उससे मजदूर जाते बोल के खदान के पास गए वो कचरा फेंकते ना सरकारी लोग नगर पालिका के पास गया था पहली बार तो वहाँ से हाँ सर तो मैंने क्या बोली थी खिचड़ी बनी थी और अंडा बोले अम्मी बोले खिचड़ी अच्छी नहीं अंडा तलो अंडा वो चावल खा के गया था खाली तो जब से वो उतना अंडा चावल खाने से बहुत उतारा करी मैं सैलानी में हद से ज्यादा लेकिन चार आने में फर्क नहीं गिरा खाली यहाँ आए तो मेरे बच्चे की जबान को दे के अम्मी मेरे को यहाँ काला है तो मैं बोले दवा खत आपके यहाँ पर ही चाह तो होश आगा के मेरे को कहा लेके आए तो उसको कुछ शनाखत नहीं थी कि जाना 6 साल कुछ भी नहीं था बहुत पैसा लगा मैंने उतारा भी सैलानी बहुत करी सब बिक गया अब मेहमान के आए से इस हालत में देखे मेरे बच्चों को ऐसा सोने दिया कि हम आपको एक टाइम का खाना नहीं दिया लिख जाओ बल्कि तो उस समय सैलानी बैठी झोपड़ी में रही थी 6 साल के बाद तुम्हें पता चला यहाँ वो भी कोई नहीं बोला जाने पर बोले तुम्हारे पर बनी हो कि तुम कहा गाड़ी लेट थी वो इसी की तरह बात गाड़ी जाने की 5:30 को था हम बढ़ गए तो बच्चा मेरा आरा पड़ेगा तो पुलिस वाले क्या बोले उठा उठा मम्मी मेरा बच्चा पेशेंट है मैं सैलानी बुलडाने से मोबिली इसको उल्टी हो रही साहब तो बोले टिकट काट के आगे बैठो मैं बोले यहाँ बैठे तो क्या बोले आगे जाओ बोले क्यों हमने टिकट काटे तो बोले आगे जाओ बोले उधर नंबर लगती
रजिस्ट्रेशन डब्बे में बढ़ गया मेरा बच्चा, मैं छोटी आ गई थी, मैंने बोली टीटी बोलता फाइन लगती है, बोली साहब मैं मेरा बच्चा पेशेंट है, हम नीचे बढ़े डिसर्टेशन है उतर जाएंगे हमारी और छः साल से मुजावर ने बैठा नहीं थी गाड़ी के नीचे बैठा था, ताई सामने छः महीने खाली होटल में खा के चने भजिए ऐसे कुछ भी खा के छः महीने का बिस्तर नहीं, आँख के कपड़े से गए थे हम, घर भी नहीं था, हम झाड़ के नीचे बैठे, बाहर शाही है बच्चा मेरा जीप के नीचे सोता था, वहाँ से मजा हटाते थे, उधर कोई मालूम भी नहीं करे हमारे को, उधर झोपड़ी बनते हैं हमारे पास रखा लिया शाम के कपड़े गए थे, पहले कैसे आज में आए थे वैसे गए थे, छह महीने तक इसको फोन भी नहीं, कोई आया आके देखा भी नहीं हमको, ऐसी मुसीबत गुजारे। हाँ तो ब्याज के पैसे लगी थी, तुमने बोली तेरा बच्चा दस साल तक नहीं अच्छा था, मैं क्या करूँ बोल के इज्जत की पंचर ना करी तो मैंने बिका दी उसको, तो लोगों को गिरे का क्या थे, घर अच्छा नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, इनके बच्चों का साथ कम नहीं, आप खा रहे को घर भी नहीं झोपड़े है, सैलान में बना कोई वहाँ पर इसके नाम, सबने बोले हमारे पास यही करें तुम जल्दी जल्दी आके दो तीन जीवरात कर दो उसके बाद फिर तुम लेट जाओ, तुम्हारा बच्चा ऐसा दिल बता मेरा रोज भी बुलाया तो रोज भी अच्छा हो जाएगा, नौ दिन मेरा बच्चा अच्छा हो, बोले ऐसा ना करो तुम दो तीन जीवरात जल्दी जल्दी चल जाओ, बोले पैसा हमारे दिवाली को दे 1500 लगते टिकट कहाँ है यहाँ तक, हाँ जीप से आए गाड़ा स्टे बंद है वहाँ, लेकिन समझते नहीं लेता बाबा, जिसको जो सामान लिखा के दिए तुम्हारा, तुम दुकान से जाके सामान तो भी लाओगे, मैं कुछ बोलता हूँ मैं कई बोलूँ, मैं कुछ लेने करता तो छाती पे पैर देके लोगों से पैसे लेता था, मैं ज्यादा क्रेडिट लगेगा ना कम रेट, तो कुछ लिया का मैंने पैसे लोगों सामने नहीं लिया हमारे एक रुपये, तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से जो भी जादू टोना रहता जो सामान निकलता वो जाके लाना पड़ता, अरे मैंने पापा साथ में बकरा पकड़ा के ले जाना बकरा उतारी मैंने, वो भी मजदूरी करके भूखे प्यासे सैलानी में क्या बोले बकरा छोड़ो मुर्गा छोड़ो न्यास करो, बोले तो तुमको उतारा करो ऐसे दूसरे लोग, अच्छा हाँ, तो बकरा छोड़ो मुर्गा छोड़ो ये ऐसा ये लगता नारियल के उतारा लगता होली में डाले वो होम जमता होम में उतारा करके डाली, अभी पोने के टाइम में पूरा एक कायदा नहीं रखी सेना कुछ भी पूरा एक कायदा मेरा यहाँ पर ही इस उपाय में बंद बैठ नीचे कुछ तेरा लोगा पहले सीधे पैर में बंद देखो उनका घर तक बेच दिए थे उन्होंने, दो फलाटा बेच दिए थे, पूरी प्रॉपर्टी बेच दिए थे उन्होंने, क्या क्या बेच के उन्होंने सब क्या बोलते थे, इतने परेशानी से उनके बच्चे को हर जगह बताया इलाज होगा, तुमने इंदौर जावरा अकोला अजमेर को तीन बार गई, तारागढ़ पहाड़ पे अजमेर में बच्चे घोषाना बोल के मन्नत करी, तो मैं खुद फूल चढ़ाने गई तारागढ़ पहाड़ दो उंगलिया से बता के वहाँ मैं गिरी, देखो मेरे हाथ में बेड़ी है मेरी पीछे, लेकिन मैं बोलती मेरा बच्चा अच्छा था, मैं बात पूरा हिंदुस्तान लेके फिर पूरे हिंदुस्तान फिरी भाई, जावरा इंदौर अकोला बम्बई वसई यशु तीर्थ चरस है, तो वहाँ देखो मुसलमान हो तुम लोग बोल रहे कि मैं क्या करता क्या करता, इस वास्ते अल्लाह ने मुझे बिठाया है, अगर मैं नहीं करा तो लोग चरस तक चले जा रहे मुसलमान, अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर, सुनो चरस तक भी गए थे तुम उसमें, नासिक रोड पे है ना वहाँ चरस, मैं यशु के लिए छह साल गई मैं वहाँ भी, उधर से आना उधर जाना उधर से यशु के पास में, हाँ यशु के पास में वहाँ भी गई, कोई नहीं फर्क गया मेरे बच्चों को यहाँ पर गिरा, मैं पूरे इक्कीस पे एक हजार कोई शैतान की कोई इब्लीस की ताकत बड़ी नहीं अल्लाह कलाम के सामने, सबसे बड़ी बात अल्लाह मेरा कलाम के भरोसा। लोगों देखो शर्म करो, बोल रहे कि वो ये कई कर रही ला, अगर मैं नहीं करा तो लोग चर्चों तक चले जा रहे मुसलमान, अल्लाह पर क्या मुंह बताएंगे अल्लाह, अब मजबूरी है बोल के वो लोग गए, मगर निकालने वालों को भी अल्लाह ने पिटा, वो मोबाइल ना बाहर भेज दो बाहर भेज दो। चर्च में कितने महीने तक गए तुम? मैं छह महीने थे। अच्छा क्या करते थे वो लोग? ऐसे दुआ का पानी देते थे, तेल देते थे लगाने को, सोने नोने क्या बोला तेरे और सोनू डाका बोले काय नहीं बोले भूत है बोले भूत बोले। देखो रे खतर ओमान दुबई वालों बेवकूफो अक्ल से पैदल कमीनो, शर्म करो हराम करो, बहुत बोल रहे तुम मेरे को कमेंटों में ये क्या वो है क्या ये क्या कर रहे हैं ये क्या नहीं, देखो अगर मैं नहीं करा तो लोग कहाँ तक चले जा रहे तकलीफा उनको, तो चर्चों तक चले जा रहे वहां तक खींच के उनको बुला रहे हो लोग, कितनी बुरी बात बोलना तो अल्लाह और ईमान वाले लोगों को वहां तक ले जा रहे, ये बला बतरा है ये सब
हल करने को। लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट अमूद भर के बैठे, अले असल निकालने वाले नहीं है तो बेचारे मजबूर के नाम पे जा रहे। कब गए थे चर्च की तरफ हो जाके? 2 साल हुए। फिर उसके बाद बोले बम्बई को जाते, बम्बई को जाके फिर एक बार गए, दो बार गए, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या होता है यार, कुछ भी नहीं होता, बोले धड़ धड़ गिरे, ये कर रहे। रेडियो केंद्र है ना, टीवी केंद्र, वहाँ गए। 3 आदमी गए, हम परेशान हो गए। फिर बारिश में, हाँ बारिश में बम गिरा था जुम्मे के दिन, जब हाँ जब की बात में, जब वहाँ मनवाड़े में 2 बजे का टाइम था, हाँ जब वहाँ से 3 वहाँ खैर अब तो चलो अल्लाह करम है कि बार में होगा ना फर्क। ये पूरा एकदम नहीं भी ये करने से पहले इसको पलक ही रानी तो पानी बढ़ाते उन्हें कुछ दिल से यानी कि अंदर आते थे उन्हें अंदर एंट्री मारते थे तो होश आ गया। वो उसको होश आ गया कि मुझे कार लेके आने, तो उसको होश नहीं था, आइटम डाल के लेके आई थी ना मैं। और मेरा दिल कैसा कांप रहा था कि मैं अगर ये 200 रुपए दूं, 200 रुपए दूं, मेरा बच्चा नहीं आता क्या करूं, आगे पैसे लेके तो मैं कहां से लूं। ये सोच में मैं खड़े रही, कब तक खड़े रही, बहुत देर तक। तुमने क्या बोले लेकर आओ खाला, मैं बोली ऐसे ही इसका होता कि मुझे 6 साल सही लगे मेरे बेड़ा है इतने जाड़ जाने मेरे हाथ पैर में जंजीरों से बने आता। 10 दिन तक हमारे पेट में अनाज नहीं था, ऐसे बैठते थे हम तक जाली से बने हुआ था बाबा की सैलानी बाबा की देखो लोग इतने मजबूर हो गए जादू टोने से, सिफिलिया अमलियातों से, गंदे चीजों से, वो सब। वो तो बच्चा खैर क्या बोलते, तो गया था बाथरूम, पूछ की क्या गलती थी, जंगल में कहीं गया था। कहाँ का था निकलते वक्त की दुआ याद करो, तुमको गाने याद करना हो रहा, पिक्चरा देख के याद हो जा रहे, सब याद हो रहे, 3-3 घंटे की पिक्चरा देख रहे, क्या तुम्हारा अल्लाह का क्या बोलते, तो कलाम याद नहीं हो रहा, दुआएं याद करो। अल्लाह ने दुआ मोमिन के वास्ते हथियार रखे अल्लाह है। अगर वो बच्चा दुआ पढ़ के जाता था बाथरूम को, तो कोई खबीस, कोई शैतान, कोई इब्लीस की हिम्मत नहीं होती थी उसको टच करने की, क्योंकि अल्लाह फरमाता कि हम पर्दे डाल देते बीच में उसके और शैतान के, शैतान की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जो आके उसको टच करे। उन्होंने दुआ नहीं पढ़ा था, मसर माटे में कहा लग गया था उसको, कौन सा शैतान लगा, इतने साल फिर आया, इतना मजबूर कर दिए थे कि उन्होंने उनके घर बिगा दिए, कुछ सुनो उनकी जबानी खुद पूरा बिगा के भी रोड पे उन्हों, और यहाँ तक मजबूर हो गए थे कि चर्च को 6 महीने तक चर्च को गए उन्हों। सुनो दुनिया के मुसलमानों, शर्म करो, जो एक बहुत कमे टोम बोल रहे कि भाई खतर ओमान यमन वाले जो बाहर देश वाले हराम खुराम बहुत बोल रहे ना, सुनो बोलना कम वक्तों को, क्योंकि इतना गुस्सा आया मेरे को सुन के वो बात कि मुसलमान इतने मजबूर हो गए कि चर्च तक चले जा रहे। अल्लाह अकबर, पहले का तुम कोई मौलवी आलिम हाफिजों को नहीं बताए थे, डायरेक्ट चर्च गए थे, मुसलमानों में ना लायक हो अगर निकालने वाले अल्लाह नहीं बिठेंगे पावरफुल, तो ऐसा हो जाता तुम्हारे पे बीती नहीं, जब तुम्हारे पे बीतेंगे ना तो तुम भी कहाँ कहाँ फिरते देखूंगा। फिर मैं बैठ इबादत करो ज्यादा से ज्यादा, उसको भी जो आता पढ़ने पढ़ाओ, दरूद शरीफ वो सब तुम भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। हाँ मेरे सबर है कि आज पढ़ाई इतनी बुरी बात है कि इतना मजबूर हो जा रहे लोग कि ओरिजिनल इलाज करने वाला नहीं मिल रहा उनको, तो चर्चों तक चले जा रहे। अल्लाह अकबर, जिनको अल्लाह ने बिठाओ क्या मुंह बताएंगे अल्लाह को। फिर कैसी उसकी तबीयत, वो खाना खाना जिसको लगा तो बोलते तुम्हारे पे, अगर लग रहा तो सामान लग रहा तो बोलते लाओ, नहीं लग रहा तो कोई खुलेंगे, वो उसको नहीं लगा अल्लाह के करम से खाली उन्हें आ गया अंदर, तो पूछो उसके वालदा से अंदर आते दिन राइट होगा उसमें आ गया पूरा। मेरा बच्चा बोली यहां का खाना यहां आया तो उसको होश आ गया, तो ये पानी दुआ तो किधर है इसके। और मेरा जो लंगर का खाना है लग करम से पड़ के फूकता हूं ही, तो दास्तान इसी की शैतानों की जबानी भी सुन लो, जो कानों में आते लोगों को बोलते ना क्या खिला दिए, कहीं खिला रहे हमारे पेटों में आग लग रही, तो खाना खाते तो खाना क्या करता अंदर जाके अल्लाह के उनसे जो दवाएं आप यहाँ डाले तो निकाल देता उल्टे हमारे के इमोशन लगा के, वो सब होश में ला लेते सब, क्योंकि वो सब अल्लाह के कलाम का है। दुनिया में कोई कितना भी शैतान, कोई कितना भी इबलीस बड़ा रहेगा तो किसी की कुछ नहीं चल सकती अल्लाह कलाम के सामने। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह कलाम की है, इबादत भी करो, नमाज पढ़ो, उसको भी पढ़ाओ नमाज, वो सब 5 टाइम। चलो आगे आओ बाबू, देखो लोग बोलते हैं कि इलाज को जाना शिर्क है, शिर्क। हाँ वो बात होंगी शिर्क बेशक, मगर कब
जब कोई काफिर या कोई दूसरा जादूगर जादूगर के पास गए जाना सख्त मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जादूगर के पास जाता और जो जादू चलाता वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मैं उसकी शिफाअत नहीं करूँगा हश्र के दिन, क्योंकि वो हम में से नहीं है। ना जादूगर की करूँगा, ना जो जादू चला रहा उसकी करूँगा। और जो इंसान जादूगर के पास जाके जादू चलाता उसकी 40 दिन तक की इबादत रद्द कर दी जाती। और दूसरी एक बात यह है कि तुम जादूगर के पास जाना शिर्क है, दरगाहों पे इधर उधर जाना शिर्क नहीं है, चर्च में जाना शिर्क है। सुनो, अब सुनने के बाद मेरे को ऐसा होगा आलम के मैं क्या बताऊं कि क्या नाम है जी तुम्हारा? रहमुन्निसा। जोर से बोलो। रहमुन्निसा। बच्चा क्या नाम? शेख जमाल। शेख जमाल रहमुन्निसा मुसलमान है वो लोग, और इतने मजबूर हो गए थे कि कितने साल से फिर रहे थे बच्चे? 6 साल से फिर रहे। हाँ, 6 साल से। 6 साल से फिरने फिरने में उन चर्च को तक गए और 6 महीने तक कंटिन्यू उन चर्च को गए। कितनी बुरी बात है ये मुसलमानों के अस्तित्व करके बना। अल्लाह अकबर। शिर्क बोलने वाले कमीनों को तेरी शर्म आना कि दरगाहों पे लोगों को जाने से तुम रोक रहे हो। अल्लाह की रहमत बरसती, आजमत बरसती, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह ने कुरान पूरा समझ के पढ़ो बोले अल्लाह। बेवकूफो, तुम कुरान को नहीं समझ सके तो तुमको नहीं मालूम अल्लाह का वली कौन है। जब कुरान को समझेंगे सही तरीके से उसके बाद पता चलेगा। तुमने उनको दरगाहों पर जाने से रोक रहे तो लोग इतने मजबूर हो जा रहे कि चर्चों में चले जा रहे इलाज करने के वास्ते। चर्च में जाना शिर्क है, दरगाह पे जाना शिर्क नहीं है। नालायक हो, अकल से अंधो, बड़े फतवे दे रहे तुम। क्या मौलवियां हो गए क्या रे? सारे मुक्त हैं। रोक दो मिनट। तुम्हारा को कि कोई भी इलाज वालों के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तुम्हारा को इतनी बड़ी कलाम की ताकत दिया अल्लाह ने। अब इन्हों बोले कि इन्हों चर्च को गया। और भी कितने मुसलमान होंगे दुनिया में कि जो और कहाँ कहाँ जा रहे, गलत गलत जगहों पे जा रहे। बहुत गलत बात है ये। कल को अल्लाह क्या बोलते तो जो जिम्मेदार आए उनसे भी अल्लाह पूछेंगा, और जो मजलूम लोग हैं परेशान होकर भटक रहे उनसे भी पूछेंगा जवाब लेंगे, और जो जादू को उन्हें चला रहे लोगों के ऊपर कम बख्ता उनसे भी पूछेंगा कि तुमको कैसी बख्शेंगा अल्लाह, कैसा तुमको करेंगे। आखिरी दिन क्या तुम्हारे से हिसाब नहीं होगा? नालायक हो, शर्म करो जरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग परेशान है, जो भी क्या बोलते, तो जो भी परेशानी में, जो जिस पे भी जितना जादू टोना चल रहा, अरे अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने बैठो, जानिमास पे बैठो, वजू करो और अल्लाह के सामने सूरह यासीन पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो, जो तुमको आता वो पढ़ो, और पढ़ के अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह को बोलो तू हमको फैज दे, नहीं अब तू डायरेक्ट दे सकता तो जो बंदे के हाथ में फैज है उसके पास हम आपको भेज। ऐसे असबाब बना, खुद ब खुद तुम्हारा को असबाब बना के जहाँ पे भी अल्लाह का जो भी होंगे इलाज करने वाले राइट जो सही तरीके से करते वहाँ अल्लाह तुमको भेजेगा। जहाँ तुम सही तरीके से जाएंगे तो तुम्हारा दीन ईमान हर चीज़ महफूज रहेंगी। और तुम अगर दूसरे भूंगरे भांगरे बेकार जादूगरों के पास जाएंगे तो वो तुम्हारा पूरा ईमान बर्बाद कर देते, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर देते, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देते। शर्म करो और समझो रे दुनिया वालों, बहुत गलत बात है ये। दुआ करो अल्लाह से जा नमाज पर बैठ के कि हमको फैज दे, नहीं तो तूने जहाँ हमारा फैज दिखा वहाँ हम आपको पहुँचाने वाला हो, इस वास्ते पहुँचाने वाला कि तुम्हारी माँ तुम्हारे से इतनी मोहब्बत करती तो वो तुम्हारे 70 माँ से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करो, कैसे नहीं पहुँचेगा तुम्हारा। और अल्लाह तुम्हारा को खबर के अंदर आजाब नहीं देने वाला है। अल्लाह नहीं देता किसी को आजाब, अल्लाह किसी को जुल्म नहीं करता, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। तुम्हारे आमाल तुम्हारे पे आजाब बन के नाजिल होते खबर के अंदर, तुम्हारे आमाल तुम्हारा को जहन्नुम में ले जाते, अल्लाह नहीं ले जाता किसी को जहन्नुम में। अल्लाह कैसा लीजिएगा? अल्लाह रहमान और रहीम है, तुमसे 70 माँ की मोहब्बत करता हो। इस वास्ते जिसको भी जो भी परेशानी होंगी, कोई भी मसला होगा तो इबादत करो, जानी मान पे बैठ के गिड़गिड़ाओ, अल्लाह को बोलो ऐसा ऐसा मसला है हमको डायरेक्ट फैज दे, डायरेक्ट नहीं दे सकता तो जो भी तेरा बंदा होगा जिसके हाथ में तूने हमारा फैज रखा उसके पास हम आपको तुरंत पहुँचा, राहत दे हमारे मुश्किल से। बोलते अस्तगफार पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, जिक्र अस्कारा करो और हर चीज़ की दुआ पढ़ो। अगर उन्हें दुआ पढ़ के जाता था तो कई को 6 साल उनके बर्बाद होते थे, कई को बच्चे के 6 साल बर्बाद हो जाते थे जिंदगी के। उन्हें बाथरूम के वास्ते टॉयलेट के वास्ते कहीं रहा था बोलते थे मस्सन वाटा के पास में, वो बोल रहे उसके बाद जब आएगा उन्हें तो वैसा होगा था। उन्हें 6 साल लेके फिर उसके वालदा ने उसको यहाँ तक तो उनके 2 घर थे क्या थे फ्लाट वो सब बिका के उसको लगा दिया था। उन्होंने घर भी नहीं, उनको इतने बुरे आलम से रहते थे उन्होंने कि जीप की बारिश आती थी तो जीप के नीचे जाके सोता था वो बच्चा। सुनो अब सुन के भी क्या बोलना, बोलने के भी अल्फाज नहीं मेरे पास बच्चे। इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, छोड़ो मत, छोड़ेंगे तो फिर यकीनन तुम्हारी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अल्लाह के वास्ते बैठा रहा हूँ। चलो खैर जो भी बातें हैं, अल्लाह की इबादत करो सब लोग, और दुआ एक मोमिन के वास्ते हथियार रखा अल्लाह ने। हर चीज़ की दुआ याद करो, हर चीज़ की दुआ याद करके निकलेंगे तो महफूज रहेंगे। चलो जाओ आराम से इबादत करो ज़्यादा से ज़्यादा, दरूद शरीफ को भी थोड़ा, दरूद शरीफ क्या आता उसको पढ़ने पढ़ता हूँ।
कम करो स्पीड है पंखे की स्पीड में। दरवाजा भी खोल रहा है आपसे समझ रहा हूं। हां खोल रहा है। हां जाओ आराम खींचो उसको खुलता हो खींचो इधर खींचो इधर खींचो इधर खींचो ताकत लगा के यहां खींचो। इसकी वजह से गंदे होती है मेरे पति। जाओ आराम से। सुबह में दिन बनाया अब क्या करेंगे वो लोग अभी मजबूर थे उसके अम्मा वो चर्च को गए कितनी बुरी बात वो सब तबाह करके बोलना अल्लाह माफ करे। चलो नेक्स्ट।